सो हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पार्ट मॉडलिंग में। कल हमने बेसिक कमांड सीखी थी इसकी लास्ट वीडियो में, तो आज हम ये ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ये वाली लाइन चाहिए। ये हमारे पास इसका डाया है 57.5। मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, स्केच कमांड पे क्लिक करके स्केच एनवायरनमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इसका डाया था 57.5, कुछ ऐसा ही था। दोबारा चेक कर लेते हैं, 57.5। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो है 5। तो मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ पे पैड करूँगा इसे। तो इसकी जो थिकनेस पैड है वो है 5। ठीक है, ये हमारे पास पैड आ गया। क्या चाहिए हमें? चाहिए हमें ये वाला स्केच, ये लाइन। ठीक है, ये आप देखोगे ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू। टॉप व्यू को यहाँ से कट करके ये साइड व्यू आया हुआ है। साइड व्यू हमें कट करके दिखाया हुआ है, कट सेक्शन। ठीक है, तो हमें ये व्यू, ये लाइन चाहिए इस प्लेन पे। जी एक्स प्लेन पे चाहिए हमें। इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और सेम लाइन प्रोफाइल के साथ लाइन बना लेता हूँ। कंट्रोल सेट, इसे हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो यहाँ से हाइट है वो है 50। यहाँ से पॉइंट तक की हाइट जो हमारी है 50। ये जो रेडियस है 18.75, रेडियस है 18.75, राइट। और ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है हमारा 23.75 प्लस 51.25। ठीक है, ये हम प्लस कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा हमारा 75। ठीक है, तो ये हमारा स्केच रेडी हो चुका है। अंदर का 20 है, आउटर का है ये 25। मैं 1x1 करूँगा, मैं इकट्ठे भी कर सकता हूँ इसे, बट 1x1 ताकि आपको कमांड्स का थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये स्केच लेंगे, ये फिर इसे ले लो, इस फेस को यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सर्कल लगाओगे, इसका डाया होगा हमारा 25। ठीक है, यहाँ पे आप
कमांड करेंगे हम रिव्यूज, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया हमने ये सर्कल और सेंटर कर्व हमने कर ली ये, तो ये हमारा बन गया। अभी होलो है, होलो नहीं सॉरी सॉलिड है, मैं इसे होलो भी बना सकता पहले इसी में, यहाँ पे इस फर्स्ट स्केच में यहाँ पे एक और अंदर सर्कल बना देता तो ये कट हो जाता और इसी में दो सर्कल बना के ये पूरा कट हो जाता, बट मैं आपको कमांड की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिलहाल, तो मैं ऐसे बनाऊँगा इसे, ठीक है। और फिर सेकंड में हम बनाएंगे ये ऊपर वाला 50x50, ठीक है, सेंटर से और ये, क्योंकि हमने हाइट पूरी ली हुई है, तो मैं इसी को फेस सेलेक्ट करके सेंटर ट्रायंगल लेके और इसको इसके साथ तो सेंट्रिसिटी करके सेंटर भी आ जाएगा। अब हमें देनी है डायमेंशन, ये है 50 और ये भी है 50, ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। हाँ, अब हमें पैड ऊपर की तरफ नहीं करना क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, हमने यहाँ तक मैक्सिमम हाइट ले चुके हैं हम, तो इसे डाउनवर्ड करेंगे रिवर्स और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अभी ये हमारे पास आ गया, अब इसे हम कट कर लेते हैं पहले, फिर इनको जो ये जो बनाएंगे हम दूसरे वाले इनको हम डायरेक्ट फिर एक कमांड में बना देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके और इसका जो इनर डाया था 20 के अराउंड आई थिंक 20 था, ठीक है, 20 होना चाहिए, 20, हाँ ये भी 20, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे स्लॉट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, हमारी कर्व थी पुरानी वाली कर्व थी, हम वही सिलेक्ट कर लेंगे, के कर देंगे और ये हमारा कट लग गया, ठीक है, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप, अब हम बनाते हैं इसे, यहाँ से इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस है हमारा 36.25, ठीक है, एक प्लेन लेते हैं हम और ये जो हाइट है ये ऊपर से है 17.5, सेलेक्ट करेंगे हम, ऑफसेट यहां से डायरेक्ट ऑफसेट ही ले लेंगे हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में, हमें ऑफसेट कितना चाहिए, तो ये टोटल ऑफसेट है 23.75 5, ठीक है, तो हमारे पास प्लेन आ गया। ये इसकी मैं अलग से आपको पॉइंट लाइन और प्लेन की अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें चाहिए अब हम एक ही कमांड में इसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये आउटर था 20 और इनर था 15, ठीक है, तो बना लेते हैं आउटर था 20 और इनर था 15, ओके। और ये जो लेंथ थी ऊपर से 17.5 ये है
17.5 और ये तो हमने सेंटर भी बनाया है, तो दूसरा हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैं सिंपल इसे पैड करूँगा, और अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं अप टू नेक्स्ट करूँगा तो ये ऐसा इस फेस को मान के ये ऐसा पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अप टू लास्ट करूंगा तब भी यहाँ तक ही आएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अप टू सरफेस करूंगा तो इसे एक सरफेस चाहिए होगा, ऐसे सिलेक्ट करूंगा इसे सरफेस करेगा नहीं, ऐसे करके अप टू लास्ट आ जाएगा। बट इसमें हमें एक डिसएडवांटेज होगी कि हमें यहाँ पे एक बार दोबारा होल करना पड़ेगा इसे कट करने के लिए, ठीक है। चलो बाद में करेंगे, आपको मैं आपको बता रहा था कि दोनों कमांड में कैसे यूज होते हैं। अब बनाएंगे हम ये ऊपर वाला, उसके लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कितना ऑफसेट चाहिए, 23.75 जहाँ तक होना चाहिए, और प्लेन की हाइट ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, ये दिया हुआ है 28.75। सिंपल प्लेन ले लेते हैं हम, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, इस प्लेन से ऑफसेट 28.75, ठीक है। यहाँ पे गए हम स्केच पे, प्लेन पे आ गए, और अब यहाँ पे ये शेप बनाएंगे हम, सर्कल, हाँ यहाँ पे एक होती है बाय टेंजेंशियल लाइन, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, अभी मुझे एक सेंटर पे सर्कल चाहिए, सेंटर पे सर्कल चाहिए मुझे, हाँ बताऊँगा, ये लाइन पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, टेंजेंसी बना देगा लाइन की खुद ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे टेंजेंसी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्लिक करूँगा इस पर टेंजेंसी, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पर टेंजेंसी। अब इसको हम डायमेंशन दे देते हैं, ये है 12.5 और वो है 5, रेडियस है सारे, ठीक है। डबल क्लिक, रेडियस 12.5, ये है 5 और ये भी है 5। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पे जाके क्विक ट्रिम पे क्लिक करके, ये और ये नहीं चाहिए मुझे, ये सेंटर पे है, ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें, ये डिस्टेंस है 23.75, यहाँ से ये 23.75, ठीक है। ओके तो मैं एक लाइन लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन, अब इस लाइन को इस पे कोइंसिडेंट कर देते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। ओके ये रहेगा हमारा वर्टिकल, इसको कर देते हैं हम कंस्ट्रक्शन में चेंज, अब हमारा और क्या रहता है इसमें, ठीक है।
5 टाया के 2, ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक स्केच में आप कितना बना सकते हो, कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अब इसकी थिकनेस जो है वो है 3.75, ठीक है। अब एक और इसमें बनाना पड़ेगा हमें, सिंपल पैड बनाता हूँ, बाद में पॉकेट करना ही है तो पॉकेट कर लेंगे हम साथ में। सॉरी, ये है 12 point, 15 एंड 20 सेम जो दोस्तों के डाया, तो हम लेंगे 20 पहले, 20 डाया इसको सेंट्रिक करेंगे इसके, क्या करेंगे बैट करेंगे और अप टू नेक्स्ट करेंगे। अभी ऊपर डायरेक्शन मैं जैसे अप टू नेक्स्ट करूंगा क्योंकि इसे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ मिलेगा ऐसे जो भी मिलेगा। एक मिनट, ये पैड 2 लास्ट, ठीक है, 2 लास्ट आता है, 2 नेक्स्ट, 2 सरफेस नीचे नहीं जाएगा, लास्ट मतलब जो लास्ट तक इसे मिलेगा वहाँ तक जाएगा। यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहाँ देखोगे अभी मैंने सरफेस किया तो ऊपर तक है, यहाँ तक है, अब मैं अप टू लास्ट करूँगा इसे ना तो ये यहाँ तक जाएगा, इस तक यहाँ तक। तो ये है इन कमांड्स डिफरेंस, ठीक है, टू सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर कट, यहाँ पे एक मुझे पॉकेट चाहिए जिसका डाया होगा 15, ठीक है, इसको कंसेंट्रिक करके, सॉरी कंसेंट्रिक, इसका डाया है 15, ठीक है, एग्जिट करके सरफेस, सरफेस ये वाला सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखोगे आप कट कर दिया इसने, ठीक है। वैसे ही मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा सीधा मैं देखो कमांड सेलेक्ट करी, कुछ नया बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट कमांड से आप स्केच में पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट करो, सिंपल एग्जिट, ठीक है, टू सरफेस कर लो, सरफेस इसे सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो गया, कितना हो गया ये, यहाँ तक ये कट हो गया। अब मुझे चाहिए ये होल्स 1, 2, 3, 4 और ये वाले, ठीक है, पहले इन्हें बना देते हैं, ये डिस्टेंस है 40 और 5 के हैं, यहाँ पे क्लिक करूँ, पहले
पहले इसमें लगा लेते हैं हम ड्रेस ऑफ फ्यूचर, फिलेट लगा लेते हैं, पांच पांच की फिलेट आई थिंक सब में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओके फिलेट है ठीक है, पांच पांच की सिंपल, वैसे भी होल लगा सकता हूँ, मुझे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाते हैं होल्स पे, क्लिक करूँगा यहाँ पे, क्लिक करूँगा यहाँ पे, अगर डायमीटर 5 टू नेक्स्ट कर दूँगा, ओके होल 5 टू नेक्स्ट डन, पिकअप सेलेक्ट करी यहाँ पे डन, ऑटोमेटिकली कंसेंट्रिक ही उठाएगा ठीक है। ये हमारे हो गए होल्स, अब मुझे यहाँ पे होल चाहिए ठीक है, इसके लिए होल यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं स्केच पे जाऊँगा, इस पॉइंट को मुझे कंस्ट्रेंट करना है ठीक है, यहाँ पे है इसका 47.5 करूंगा, एक सर्कल बनाता हूँ इस पे, इसका टायर दूंगा 47.5 ठीक है, 47.5 इतना 47.5 ठीक है, और ये है 5 का टायर, अभी भी ये कंस्ट्रेंट फुली कंस्ट्रेंट हो चुका है ठीक है, 5 का टायर नेक्स्ट डन हो गया। अब यहाँ पे यूज करूँगा मैं होल को सिलेक्ट किया, अब आएगी यहाँ पे पैटर्न कमांड, रेक्टेंगुलर नहीं हमें सर्कुलर चाहिए फिलहाल ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंप्लीट क्राउन, मैं बताऊँगा कंप्लीट क्राउन मतलब ये सारा 360 वाला सर्कल जो है ये सारा ठीक है। कंप्लीट क्राउन में हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए हमें, फॉर इंस्टेंस हम कर देंगे 4 ठीक है, 360 चाहिए हमें टोटल एंगल, क्योंकि कंप्लीट किया है तो ये टोटल में ही करेगा, रेफरेंस क्या है इसका, ये सिलेक्ट कर लिया, अब सेंटर पॉइंट उठा लेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा ठीक है, प्रीव्यू ओके, तो ये हमारा बन गया, इसमें कुछ और रहता है या नहीं ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये ऐसे दिख रहा है उसमें ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँ सेलेक्ट करूंगा, और अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऐसे, तो ये सारा वैसा दिख रहा है ठीक है। सेक्शन को कट करता हूँ, टॉप व्यू से दिखाता हूँ आपको ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, टॉप व्यू में ऐसे दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे, तो ये ऐसे बनता है ठीक है। इसमें हम सिंपल एक कमांड में भी कट लगा सकते हैं, साथ में ये बना के कट कर सकते हैं, ये भी मैं अंदर ही कर सकता था ठीक है, स्केच में ही कर सकता था, बट ये आपकी अप्रोच है कि आपको करना कैसे है, आप कैसे कर सकते हो ठीक है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट में हम होपफुली रेफरेंस एलिमेंट को चेक करेंगे कि कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या है, कौन कौन से प्लेन के कितने टाइप हम बना सकते हैं कैटेगरी में ठीक है। ओके थैंक यू, बाय बाय।